बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ऐसा। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही ज़बरदस्त टिप, जिसके ज़रिए आप जान सकते हैं आपका इंटरनेट डेटा कहां इस्तेमाल हुआ है और आप इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको रहना होगा वीडियो के इख्तिताम तक मेरे साथ, ताकि कोई भी टिप मिस ना हो। आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर वायरलेस एंड नेटवर्क का ऑप्शन है, इसमें यहाँ पर मोबाइल डाटा में जाएं। मोबाइल डाटा में जाने के बाद डाटा सेवर का ऑप्शन है, ये आपको बताएगा आपकी कौन सी ऐप बैकग्राउंड में ऑन है। यहाँ पर आप इसको ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ सिस्टम ऐप्स होती हैं, जैसा कि गूगल प्ले स्टोर है, गूगल सर्विसेज फ्रेमवर्क है, और ये भी बहुत डाटा कंज्यूम करती हैं, आप इसको भी ऑफ कर सकते हैं। इसको ऑफ करने के बाद यहाँ पर डाटा यूजेज डेंटिंग सिम टू, फॉर एग्जाम्पल आपके अगर सिम टू में आप डाटा कंज्यूम होता है आपका, वो आप इस पर पैकेजेस वगैरह कराते हैं मोबाइल इंटरनेट के कोई भी, तो यहाँ पर आप किसी भी ऐप में जाकर अपना बैकग्राउंड डेटा, जो भी आपका डाटा है कंज्यूम हुआ है, वो आप इसका चेक कर सकते हैं। जैसा कि क्रोम है, यहाँ पर ये शो कर रहा है 16.7 MB कंज्यूम है। इसके अलावा टिकटॉक है, टिकटॉक पर जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है कि 107 MB कंज्यूम है, यहाँ पर आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इसको ऑफ करने के बाद YouTube का ऑप्शन है, YouTube के ऑप्शन में भी जैसा कि शो हो रहा है 13.12 MB का डाटा जो है वो कंज्यूम हुआ है। और एक और मेन बात, यहाँ पर आप YouTube में अक्सर जो वीडियोज हैं वो HD पे ऑन हो जाती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा डाटा कंज्यूम करती हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, जिस वजह से भी जो MB हैं वो भी ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर आप जनरल सेटिंग में जाएं, जनरल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर लिमिट मोबाइल डाटा यूजेज है, यहाँ पर आप ताकि आपकी कोई भी वीडियो जाए, कोई फोन मिसाल के आपके कोई बच्चे देखते हैं, कोई भी शख्स देखता है, तो वो वीडियो की वजह से आपका जो MB है ज्यादा ज्यादा कंज्यूम हो सकते हैं, आप इसको इस जरिए भी आप इसको कम कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी वीडियो है, कोई वीडियो अगर आप ऑन करते हैं, उसको आप चलाते हैं, तो अक्सर यहाँ पर ऐसे होता है कि वीडियो का जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। वीडियो क्वालिटी हाई होने की वजह से यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर 480p है, तो इसकी वजह से आपका जो डाटा है वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम होगा। इसका बेहतरीन हाल ये है कि आप इसको 144p या इसके अलावा अगर कोई और वीडियो है, मिसाल के तौर पर अगर हम दूसरी वीडियो चलाते हैं, इसकी जो क्वालिटी है वो 1080p है, और ये बहुत हाई क्वालिटी की हाई रेजोल्यूशन की वीडियो होती है, जिसकी बहुत ज्यादा डाटा जो है वो कंज्यूम होता है। आप इसको मीडियम में भी रख सकते हैं, 360p 480p जो है वो नॉर्मल बेहतरीन वीडियो आपको शो हो जाएगी। अगर आप इससे ज्यादा पे जाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा डाटा कंज्यूम होगा और आपके बहुत ज्यादा जल्दी जो है वो MB इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप का ऑप्शन भी है, व्हाट्सएप के ऑप्शन में आप व्हाट्सएप के ऑप्शन में जाएं, वहां पर आप इसकी सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर डाटा एंड स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें। मोस्टली जो जो भी आपका मिसाल के तौर पर अक्सर ऐसे होता है कि आपका जो फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती हैं, और आप इसको यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्लिक्स हैं तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी फोटो, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड ना हो, और आप जिसको चाहें आप वही डाउनलोड हो, ताकि आपके जो MBs हैं वो सेव हो सकें। इसके अलावा प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में भी अक्सर ऐप्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती हैं, जिसकी वजह से भी जो डाटा है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। कोई भी ऐप है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने के बाद आपका बहुत ज्यादा डाटा कंज्यूम कर जाती है। यहाँ पर आप सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाने के बाद ऐप डाउनलोड प्रेफरेंसेस है या ऑटो ऐप आपको ऑटो अपडेट ऐप्स है, यहाँ पर आप इसको ऑफ कर सकते हैं। और अगर आप इसको वाईफाई के ऊपर अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं, या आप इसको मोबाइल डाटा के ऊपर ऑन करना चाहते हैं, या फिर इसको आप इस ऑप्शन पर रखना चाहते हैं कि डो नॉट ऑटो अपडेट ऐप, कि आप जब भी चाहें आप खुद से खुद इसको अपडेट करें, ये ऑटोमेटिकली अपडेट ना हो। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, इसी तरह आप सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाने के बाद एंड पे सिस्टम का ऑप्शन है, यहाँ पर आप अबाउट फोन के ऊपर जो है वो क्लिक करें। अबाउट फोन में आप बिल्ट इन नंबर होगा, वहां पर आप 7 दफा क्लिक करेंगे तो आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। मेरा तो ऑलरेडी ऑन है, आप इस पे क्लिक करें। डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एंड पे यहाँ पर डिस्कार्ड एक्टिविटीज का ऑप्शन है, डिस्ट्रॉय एवरी
एक्टिविटी एज सून एज द यूजर लिव इट। मतलब कोई भी ऐप अगर कोई चलाते हैं और आप इसको अगर ऑफ करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ऐप का जो बैकग्राउंड डाटा है वो ऑफ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।